ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अबाटपुरा केंद्र पर धीमी मतदान को लेकर शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के साथ ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के बीच तीखी बहस हो गई। अरे क्या बात करते हो कलेक्टर साहब, आप पूछो कि दो बजे इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में सामने आए संवाद की तीखी तलखी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी ने कलेक्टर से एसएसपी व पुलिस अफसरों व अन्य तमाम लोगों की मौजूदगी के बीच यह तक कह दिया कि कितना बजाओगे बीजेपी की। अरे कितना करोगे यार, कितना बजाओगे बीजेपी की? कितना बजाओगे बीजेपी? इस पर कलेक्टर का जवाब था, तो क्या आपकी सुने चाकरी करें, आप छोड़िए विधायक जी। इसके बाद विधायक पाठक ने कलेक्टर से कहा, आप मुझसे बहस न करिए। 4 मिनट 8 सेकंड्स के इस वीडियो में दोनों के बीच काफी बहस हुई और मौके पर किसी ने रोका टोका तक नहीं। जरा आप भी देखिए इन दोनों की इस तीखी बहस को। कितना बजाओगे बीजेपी? कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर रहा करो। अरे आई डोंट वांट टू डिस्कस, यू डू योर वर्क एंड लीव मी अलोन। आई एम रिक्वायर्ड हियर टू कम, अरबाबू नाम, आई एम आल्सो रिक्वायर्ड हियर, दैट्स व्हाई आई एम हियर। आप जरा पूछ तो लो ये लोग कितने बजे के लगे? 2 बजे के लगे हुए कलेक्टर साहब। अरे आप जाके पूछो कितने बजे से लगे। अरे 2 बजे देखिए मेरा अधिकार है आपसे बोलने का, मैं किसको बोलूंगा, आपको नहीं बोलूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? यू हैव अथॉरिटी, यू हैव टू लिसन मी, यू हैव टू लिसन मी। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? अरे कितने बजे से खड़े हो आप लोग? 2 बजे से खड़े हो आप, मुझे समझा रहे हो क्या कर रहे हो यार? अरे क्या बात करते हो कलेक्टर साहब, आप पूछो कि 2 बजे से खड़े हो? 2 बजे से मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप इतनी वोट मत करवाइए। आप लोग दो बजे से आदमी खड़ा है इतना गोली डाल पर क्या लगे रात में हो रहा है? कितनी बार कहा आप, या पत्रकारों ने आपसे कहा? आप पूछिए ना जाके कितने बजे खड़े हैं लोग, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। थोड़ा भैया ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का अबाटपुरा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां प्रत्याशी के अनुसार दोपहर 2 बजे से बड़ी संख्या में लोग मतदान का इंतजार कर रहे थे। विधायक प्रवीण पाठक ने बताया कि यहां जिस भवन में मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां 1400 से 1500 मतदाता रखे गए हैं, जबकि पहले ही संख्या को कम करने के लिए कहा गया था। इसको लेकर कलेक्टर ने सुनवाई नहीं की, नतीजा ये हुआ कि मतदान का समय खत्म होने के बाद भी शुक्रवार शाम लगभग 7:45 बजे सैकड़ों मतदाता बाहर खड़े हुए थे। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि मतदाता लाइन में खड़े हुए हैं, काफी भारी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ है और इसी को लेकर कलेक्टर साहब और विधायक साहब आपस में ही भिड़ पड़े। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।